हमारी यहाँ बेटियाँ हमारी यहीं पे पढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है वो। तो सबसे बड़ी यहाँ से सुरक्षा महिलाओं की यहीं डेरा सच्चा सौदा में देखने को मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आज हम डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की, क्यों आते हैं लोग यहाँ पे, किस तरह का माहौल है, हर एक बात आप तक पहुँचाई जाएगी। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम? रजिंदर इंसान। हम कितने समय से डेरे से जुड़े हैं? हम 20 ईयर्स से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिलता है यहाँ पर? मैम यहाँ से अच्छा माहौल हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतना साफ सुथरा स्वच्छ माहौल, इतना अच्छा माहौल हमें मिल रहा है यहाँ पर रहने के लिए। महिलाओं की कितनी सुरक्षा है यहाँ पर? महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो मतलब दुनिया में जो सबसे सुरक्षित जगह है हम डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं। हमारी यहाँ बेटियाँ हमारी यहीं पे पढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है वो। तो सबसे बड़ी यहाँ से सुरक्षा महिलाओं की यहीं डेरा सच्चा सौदा में देखने को मिलती है। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य गुरुजी ने स्टार्ट किए? मानवता भलाई के 142 कार्य गुरुजी ने स्टार्ट किए हुए हैं, जिनमें से वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियाँ उनको लेके आना, उनको अपनी बेटी बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। कहने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा काम है। उनको अपनी बेटी बना के उनकी आगे मैरिज करनी और गरीब लड़कियों की शादी करनी, ब्लड डोनेट करना। हमें ट्रू ब्लड पंप से जाना जाता है, मैं खुद भी 30 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। और अनेक के मानवता भलाई के कार्य, किडनी डोनेट, बॉडी डोनेट, आईज डोनेट, तो सभी तरह के कार्य, सफाई अभियान, ये सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। मैम आज के समाज को देख के क्या लगता है गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? आज के समाज के देख गुरुजी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं कि कितनी ज़रूरत है। अब गुरुजी 13th डे की पैरोल पर आए तो गुरुजी ने नियर अबाउट 20 लाख लोगों का नशा छुड़वा दिया। तो आप इससे ही सोच सकते हो कि गुरुजी की कितनी ज़रूरत है। अगर गुरुजी हमारे पास होते 5 साल, जो अब तक तो दुनिया एक बहुत अच्छे राह पे चल पड़ती है। मैम जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उसमें कितनी सच्चाई है? वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें 1% क्या 1% भी सच्चाई नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए गए हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि यो डेरा सच्चा सौदा गुरुजी हैं सैन डॉक्टर गुरमीत राम रीम जी इंसान, उनको दुनिया को उनकी बहुत ज़रूरत है, उनको जल्दी से जल्दी बाहर लेके आया जावे ताकि वो दुनिया को सही रास्ता दिखा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि दुनिया को सही रास्ता दिखा सके अगर गुरुजी समाज में वापस आ जाएंगे, जो पिछले 5 सालों में हमारा जो लॉस हुआ है, जो पिछले 5 सालों में दुनिया एक स्वस्थ समाज में बदल सकती थी, हम 5 साल जो है गवा चुके हैं, तो अब भी समय नहीं गया है। अब भी अगर गुरुजी को समाज में वापस ला दिया जाए तो जो नशा बढ़ रहा है उसको रोका जा सकता है। क्या राय इस बारे में आपकी, शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।